हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हो ना? बच्चों, आज हम प्रथम पाठ है शब्द परिचय का रिवीजन करेंगे, है ना। कई किसी के में शब्द परिचय लिखा हुआ होगा और किसी के में आकारांत पुल्लिंग। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे और आप भी मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करेंगे। एषः कः, एषः यह कह, यानी क्या क्या हुआ, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। क्या है ये? गिलास। इसको क्या बोलते हैं? चषकः। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। किम किम यानी क्या, एष है यानी यह, बृहत यानी बड़ा, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एषः लघु, यह छोटा है। लघु यानी छोटा, तो ये बृहत और लघु क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द, है ना। बृहत यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। सह कह, वह कौन है। सह, हमने सर्वनाम शब्द पढ़े थे। सह तउ ते, त्वम युवाम युयम, अहम आवाम वयम। सह का क्या मतलब होता है? वह। कह यानी कौन, वह कौन है। सह शौचिक है, वह दर्जी है। शौचिक है यानी दर्जी। कौन है ये, कौन दिखाई दे रहा है? दर्जी। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। करोति यानी करता है। दर्जी क्या करता है? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। खेल रहा है क्या ये, खेल रहा है क्या बच्चों? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिलता है। वस्त्र यानी कपड़े, वह कपड़े सीव्यति यानी सिलना सिलता है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलता है। एतौ कौ, है ना। एतौ यानी दो, ये दो। कौ यानी कौन, ये दोनों कौन है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ यानी कुत्ते, दो कुत्ते, यह दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। न नहीं, एतौ उच्चैः भुक्कतः, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। एतौ, ये दोनों, उच्चैः यानी जोर से, और भुक्कतः यानी भौंकते हैं। नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों, तौ यानी वे दोनों बैल हैं। बलिवर्धौ बैल, ये दो बैल दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं। धावत है यानी दौड़ना, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते हैं। क्षेत्रम यानी खेत, कर्षतः मतलब जोतना। नहीं, वे दोनों खेत जोतते हैं या जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या हैं। एते यानी ये सब, एतौ यानी ये दो, एते यानी ये सब, है ना। एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। क्या हैं ये सब, क्या बने हुए हैं? थैले। किम एते हरितवर्णः, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरित यानी हरा, वर्ण यानी रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं,
एते नील वर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। नील यानी नीले, वर्ण यानी रंग, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? गा रहे हैं क्या बच्चों ये सब? किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप भी ऐसे ही इसका उच्चारण करके देखना, इसकी हिंदी पढ़ के समझना, है ना। शब्दार्थ आपको पहले से ही भेजे थे, आपने याद करे होंगे, है ना। आप सारे ये लर्न करना स्टार्ट करो। अब हम ये कुछ चित्र देखते हैं, है ना। चित्र देखकर और इनके नामों को उच्चारण करेंगे, ठीक है। ये क्या है? कृषकः, कृषकः किसान, ठीक है। किसान को क्या बोलते हैं? कृषकः। वृषभः, वृषभः, वृषभः यानी बैल। ये क्या है? भल्लूकः, भालू। और ये क्या दिख रहा है आपको? मेंढक, मेंढक है ना। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? मंडूकः, मंडूकः यानी मेंढक, मंडूकः। कपोतः, कबूतर। पर्यंकः, पलंग। क्या ये? पर्यंकः, पलंग। दूरभाषः, टेलीफोन। काकः, कौवा। सौचिकः, सौचिका तो हमने पहले भी पढ़ा है पीछे, क्या ये? हाँ, दर्जी। सौचिकः यानी दर्जी, ठीक है। तो अब इन सारे शब्दों का अच्छे से उच्चारण करके देखो, पाठ का अच्छे से उच्चारण करके देखो। और ये जो दो बिंदी होती है ना, ये जो बेटा सारे शब्दों के बाद में हमें दो बिंदियां नजर आ रही हैं, ये क्या है? विसर्ग। इन्हें क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। और इनका उच्चारण है की तरह करते हैं, है ना। है की साउंड आती है ना जब अपन बोलते हैं, जैसे मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः। इसको काक नहीं बोलेंगे, सौचिक नहीं बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? सौचिकः, काकः, ठीक है। तो इन सबका अच्छे से उच्चारण करिए और ये पाठ को अच्छी तरह से पढ़ के देखो, अच्छे से उच्चारण करो इसका, है ना। और ये सब शब्दार्थ याद करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।